अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। बहुत सारी न्यूज़ लेकर आया हूँ, पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हो, देख रहे हो यार बहुत चैनल डाउन चल रहा है, सब्सक्राइब बढ़ा दो बस। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा वो बिग बॉस की है। भाई 17 सीज़न क्या भाई होस्ट नहीं कर रहे सलमान भाई? तो ये मैं क्लियरिटी दे दूँ कि होस्ट करेंगे, पर वो कह रहे हैं मैं इंटायर सीज़न के लिए नहीं हूँगा, उनकी टाइगर 3 की शूटिंग है, करण जौहर की फिल्म की कोई शूटिंग है, तो इस वजह से मसरूफ़ है। तो वो इस साल जो OTT उन्होंने किया था तो वो तो फुल किया था। अब आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे सलमान भाई अगर होस्ट जाते हैं जैसे कहीं और फिल्म वगैरह और होस्टिंग कोई और करता है तो मज़ा नहीं आ रहा है। दूसरी न्यूज़ मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, वो दूसरी न्यूज़ है स्पोर्ट्स से मुतालिक। भाई इंडिया पाकिस्तान का आज मैच है और तुम सबको जैसे कि पता है, सबने तैयारी पकड़ ली है, बस बारिश ना हो जाए। बारिश हो के सारा जो है ना मज़ा गिरकिरा कर देती है। मोमिन साकिब डगी भाई फिर जा रहे हैं मैच देखने, और ये लोग जब भी जाते हैं तो वो जो है ना मैच विड्रॉ ही हो जाता है, या ड्रॉ हो जाता है या बारिश हो जाती है। तो अब ये देखना कि ये लोग का अपना व्लॉग क्या पूरा कर पाएंगे ये लोग। तो चलो इनके व्लॉग की तो खैर, ये तो व्लॉग ना करें करें, इनके तो व्यूज़ बेताश हैं, हम गरीबों को कोई नहीं पूछता। खैर हम लोग को भी आगे चल के लोग पूछेंगे। और बहरहाल तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मैच बड़ा तगड़ा होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का। आप देखते हैं कि रोहित शर्मा क्या इतना स्कोर कर सकता है कि पाकिस्तान जो है शाहीन जल्दी आउट कर देगा, कि सब जो है जल्दी से पवेलियन चले जाएँ और फिर बाबर आजम बना लें स्कोर। तो हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा। तो ये हो गई दूसरी न्यूज़। तीसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं भाई। तीसरी न्यूज़ स्क्विड गेम, आप लोगों को पता है कितना मशहूर सीरियल था, अब इसकी शूटिंग शुरू होने वाली है समर 2023 में, मतलब अभी ही। और फिर उसके बाद जो है ये फ्लोर पे आ गई तो इसका शूटिंग शुरू, और फिर आपको पता है स्क्विड गेम 2 बहुत जल्द हम लोगों को नज़र आई है, और बहुत ज़बरदस्त सीरीज थी ये। 1, 2 तो देखने वाली होगी, 2 में देखेंगे ज़्यादा गेम्स होंगे, और ये बिग बॉस से अच्छा गेम होते हैं यार इसमें। ये तो खैर अपना मजाक चलता रहता है शोशा। अच्छा अब हम मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहता हूँ बहुत ज़बरदस्त किस्म की, यमुना के मुताबिक। भाई यमुना की जो फिल्म है नायाब, उसकी मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ स्टोरी वगैरह की, पर ये जो फर्स्ट लुक है ये देख लो आप कितनी ज़बरदस्त लग रही है यमुना फर्स्ट लुक में, एक क्रिकेटर लग रही हैं, पूरी स्पोर्ट्स की मूवी है। तो सपोर्ट करना यार पाकिस्तानी, यमुना की अगर फ़ैन हो ना यमुना के, तो सिर्फ तेरे बिन में सपोर्ट नहीं करो, हर चीज़ में सपोर्ट करो। यमुना वाज को हर चीज़ में तुम लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अच्छे तरीके से सपोर्ट करो यमुना को। ये लुक देखो, अभी एक वीडियो बना रहा हूँ उस पर भी मैं तुम लोग को पूरी स्टोरी समझाऊंगा, ना कि स्टोरी होगी क्या सही। मैं जो आप लोगों को एक न्यूज़ दे रहा हूँ कि वेलकम 3 का भी टीज़र आ गया है, वो टीज़र का मुझे ट्रेलर ज़्यादा लग रहा है। उसमें दिशा पटानी, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, अक्षय कुमार, जितना भी इंडस्ट्री है ना सबको डाल दिया, शैलेश तड़पड़े, फिर वो तुषार कपूर, अरे इतनी लंबी कास्ट, वो मजनू उदय कहाँ चले गए, उदय और मजनू को निकाल दिया इन लोगों ने, और इन लोगों ने इतनी बड़ी कास्ट ली। अब ये देखते हैं फिल्म कैसी चलेगी। जब भी बहुत बड़ी कास्ट होती है फिल्म का चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हम उम्मीद करते हैं क्योंकि इसमें कॉमेडी पंचेस बड़े अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है हम हेरा फेरी देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी होती थी, फैमिली के साथ लोग बैठ के देखते थे। पर जब से छिचोरेपन का ज़माना आया है और छिचोरापना हर जगह है, मुझे छिचोरी कॉमेडी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो छिचोरी कॉमेडी यंगस्टर को तो बहुत पसंद आती है, पर मेच्योर लोगों को ज़्यादा कम पसंद आती है, इतनी छिचोरापना नहीं होना चाहिए। खैर इसमें छिचोरापना नज़र नहीं आ रहा। ड्रेसिंग तो आपको पता है दिशा पटानी की कैसी होती है, जैकलिन की कैसी होती है, वो तो होगा, पर वैसे वो लोग ओवरऑल कोई इतना जो है वल्गर चीज़ नज़र नहीं आई बातों में, वल्गर फिल्मों पे आजकल फोकस है उनका। खैर वो तो छोड़ो। अच्छा अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, एक और न्यूज़ देनी है अदनान भाई की। अदनान भाई ने ना अभी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि यूट्यूबर कोई फेक यूट्यूबर से उनकी एक कोई सैड न्यूज़ बना दी, और वो उसके लिए जो है बड़े सुरदा हुए और बाद में एंग्री हुए कि मेरी जो है कहते हैं ऐसी फेक न्यूज़ की वीडियो क्यों बनाते हैं भाई लोग, ऐसे नहीं करना चाहिए। और यार यूट्यूबर को भी समझना चाहिए व्यूज़ के लिए कितना गिरोगे यार, कभी किसी को अजीब बातें कर देते हो सैड न्यूज़, कभी ब्रेकिंग न्यूज़ झूठ झूठ की, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती, और लोग भी लाखों व्यूज़ देते हैं ऐसे लोगों को। लोगों को सबसे पहले ऐसा बात करना चाहिए भाई ऐसी चीज़ें बना क्यों रहे हो भाई, जिसमें फजूल में फेक न्यूज़ फैला रहे हो कि उसका इंतकाल, उसको ये, अब कुछ नहीं हुआ यार। ये फेक न्यूज़ जो यूट्यूबर जो फैलाते हैं ना उसकी वजह से देखो सेलिब्रिटीज़ कितना गुस्से में आते हैं। अब अदनान भाई ने क्या बोला आप लोग वीडियो में देखो। बिल्कुल लाइव हूँ आपके साथ, और पता नहीं किसने ये खबर फैला दी है, तो परेशान मत होइएगा, मरना तो बरहक है मगर अभी कुछ दिन बाकी है। आप सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। अदनान भाई को ये गुस्सा है कि भाई फेक न्यूज़ क्यों फैलाते हो,
यूट्यूबर्स अगर आप हो तो अच्छा काम करो, ताकि लोग आपके पास अच्छी जेन्युइन ऑडियंस आए, ना कि आप झूठ का सहारा लो यार। खैर, ये तो फेक यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी ऐसी खबरें फैलाते हैं। मुझे तो फेक यूट्यूबर्स से वैसी वो होती है कि यार ये क्यों कभी कोई ड्रामा ऐसी झूठा बोल देते हैं आ रहा है, जबकि वो नहीं आ रहा होता। कभी किसी की गलत न्यूज़ चला देते हैं, तो गलत न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए, ये इसके इसके तो अगेंस्ट है भाई यार। कोई गलत न्यूज़ नहीं, जो सच्ची है वो न्यूज़ दिया करो। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि यहाँ पर सच्ची न्यूज़ मिलती है। अपना बहुत ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।